प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हियर और आज हम देखने वाले बच्चों लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप हैगन पॉइसन लॉ। चलो जल्दी से देखते हैं, ये काफी पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पूरा फोकस से देखना है बच्चों। तो यहाँ हमने एक लेमिनार इनकम्प्रेसिबल फ्लूड फ्लो, एक सर्क्यूलर पाइप जिसकी रेडियस कैपिटल आर है उसमें हमने कंसिडर किया है। फिर से हमने एक लेमिनार इनकम्प्रेसिबल फ्लूड फ्लो, एक सर्क्यूलर पाइप जिसकी रेडियस कैपिटल आर है उसमें हमने कंसिडर किया है। हमने फिर क्या किया बच्चों, वही पाइप यानी कि वही सर्क्यूलर पाइप जिसकी रेडियस कैपिटल आर है उसमें ही हमने एक सिलिंड्रिकल फ्लूड एलिमेंट कंसिडर किया है। अब ये जो सिलिंड्रिकल फ्लूड एलिमेंट आप देख रहे हो ए बी सी डी जिसकी साइड है, और ये जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट है उसकी रेडियस है स्मॉल आर, क्या है बच्चों स्मॉल आर, और इसकी लेंथ है डीएक्स, क्या है लेंथ है डीएक्स, रेडियस है स्मॉल आर, और ये जो सर्क्यूलर पाइप की बाउंड्री है, सर्क्यूलर पाइप की बाउंड्री है वहां से ये वाई जितने डिस्टेंस पे है, कहाँ है ये बच्चों, ये जो सर्क्यूलर पाइप की बाउंड्री है वहां से वाई जितने डिस्टेंस पे है, समझ में आ रहा है। अभी हमने क्या करना है बच्चों कि इस पे कितने फोर्स लग रहे, इस पे लग रहा है प्रेशर फोर्स और दूसरा लग रहा है सीयर फोर्स। चलो जल्दी से देखते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों पहले लेंगे हम ये जो फेस दिख रहा है ए बी वाला ये पोर्शन, इस पे लग रहा है प्रेशर फोर्स, और प्रेशर फोर्स क्या होता है बच्चों, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया यानी कि प्रेशर पी इंटू एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और वैसे ही हम लेंगे फेस सी डी पे, ऑन फेस सी डी क्या होगा पी प्लस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा हुआ प्रेशर इंटू एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अभी आप पूछेंगे मैडम कि ये डेल पी बाय डेल एक्स क्या है, तो ये डेल पी बाय डेल एक्स है बच्चों चेंज इन प्रेशर, क्या फिर से बोले मेरे साथ बोले, चेंज इन प्रेशर व्हाइल फ्लूइड ट्रैवल डिस्टेंस डी एक्स, जब क्या किया फ्लूइड ने ये जो डिस्टेंस डी एक्स जितना ट्रैवल किया ए से सी पॉइंट तक, तब उसमें जो चेंज आया प्रेशर में वो इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और फिर हमने लेना है सीयर फोर्स जो लगेगा उसकी पेरीफेरी पे, और वो कितना होगा टाउ इंटू टू पाई आर, ये जो आउटर सरफेस है इंटू लेंथ डी एक्स, इंटू लेंथ डी एक्स यानी ये हो गया। अभी हमें फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा बच्चों कि जितने भी फोर्स यानी कि प्रेशर फोर्स एंड सीयर फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि हम कर रहे हैं समेशन, तो फ्लो इस साइड जा रहा है, सो जितने भी प्रेशर इस साइड यानी कि जितने भी फोर्स इस साइड वो पॉजिटिव, उससे जो अपोजिट आए वो नेगेटिव, यानी अभी फिलहाल ये एक ही है, तो ये होगा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, बाकी दोनों अपोजिट टू मोशन है यानी माइनस पी प्लस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स पाई आर स्क्वायर माइनस टाउ इंटू टू पाई आर डी एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो ना भूले। अभी क्या करना, इस ब्रैकेट से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी आर स्क्वायर, जो पी आर स्क्वायर प्लस और ये जो माइनस है वो हो जाएगा कैंसिल, यानी सिर्फ बचेगा माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स पाई आर स्क्वायर इक्वल टू टाउ टू पाई आर डी एक्स। हमने क्या किया, इसको सामने ले लिया यानी इसलिए हो गया पॉजिटिव। अभी टाउ को बनाए करता, हमने फाइंड करना है सीयर स्ट्रेस, यानी कि टाउ इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर बाय टू, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ डीएक्स डीएक्स कैंसिल हुआ, पाई पाई विल कैंसिल, और यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर है ये भूले ना, यानी एक आर कैंसिल यानी ये हो गया आर बाय टू, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन। यहाँ ये भी देखा गया बच्चों कि ये जो सीयर स्ट्रेस है ये लिनियरली वेरी हो रहा है विथ रेडियस ऑफ पाइप, यानी कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर। अभी आगे देखते हैं बच्चों, हमने फाइंड करना है मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस क्योंकि हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले, तो उससे लिए बच्चों हम दो कंडीशन पुट करेंगे। एक कंडीशन वो होगी कि जब सेंटर एट सेंटर ऑफ पाइप यानी उसकी रेडियस तब होगी जीरो, यानी सेंटर पे क्या होगी उसकी रेडियस जीरो, बट ऑब्वियस तब टाउस क्या होगा जीरो होगा, कैसे यहाँ पुट करे आर इक्वल टू अब जीरो पुट करे तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि ये सीयर स्ट्रेस हो गया जीरो, समझ रहे हो। अभी वैसे ही हमने जब पाइप बाउंड्री रखी यानी कि जब आर इक्वल टू कैपिटल आर था ये बाउंड्री पे, ये पूरी बाउंड्री पे, तो जब आर इक्वल टू आर रखा तब सीयर स्ट्रेस मैक्सिमम था, यानी कि कितना था, तो यहाँ पे करे आर इक्वल टू कैपिटल आर यानी कि टाउमेक्स इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल आर डिवाइड बाई टू,
समझ रहे हो, यानी कि बाउंड्री पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। इसीलिए बच्चों हमने पाइप फ्लो वाले चैप्टर में जाना है कि जो बाउंड्री होती है उस पे वेलोसिटी मिनिमम ऑलमोस्ट जीरो होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो कहाँ होती है, सेंटर पे होती है जहां शियर स्ट्रेस जीरो होता है। अभी क्या करना है बच्चों, हम न्यूटन का लॉ जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। क्या जानते हैं, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। अभी यहाँ डी वाई है, हमें पता है कि ये वाई कितना है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये वाई कितना है, तो ये पूरा आर है, ये पूरी पेरिफेरी यहाँ सेंटर से लेके ये बाहर तक आर है, और अगर ये आर में से मैं इतना छोटा आर डिडक्ट करूं तो मुझे मिल जाएगा वाई, यानी कि वाई इक्वल टू हुआ आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि अभी मुझे लाना है डी वाई, यानी कि डी वाई इक्वल टू होगा माइनस डी आर। क्या होगा, माइनस डी आर। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्यों हमने इसको निकले किया बच्चों, अभी हम इसके लिए फाइंड कर रहे हैं, ये जो स्मॉल फ्लूड एलिमेंट हमने एक सर्कुलर पाइप में लिया है उसके लिए फाइंड कर रहे हैं, यानी कि डी वाई इक्वल टू होगा माइनस डी आर। इसे जल्दी से पुट करें इस न्यूटन के लॉ में, यानी हो जाएगा टाउ इक्वल टू माइनस म्यू, क्योंकि ये डी वाई हमें मिला है माइनस डी आर, सो माइनस म्यू डी यू अपॉन डी आर। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन का ये रहा जो हमें मिला था वही टाउ के लिए था, ये भी टाउ के लिए। चलो जल्दी से दोनों को करते हैं कंपेयर, तो दोनों को रख दीजिए आमने सामने, यानी कि ये रहा वन माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू, और ये रहा अपना जो अभी फाइंड किया माइनस म्यू इंटू डी यू बाई डी आर, दोनों माइनस है यानी दोनों माइनस निकल जाएगा। हमें अभी करना है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये डी यू को करता बना है, ये डी यू को करता बना यानी होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये डी आर चला जाएगा ऊपर और ये म्यू आ जाएगा नीचे, यानी कि ये डी यू इक्वल टू होगा वन अपॉन टू म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू ये आर तो था और ये डी आर ऊपर चला गया, यानी आर डी आर। समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी यू को करता बना है, किस लिए बच्चों, क्योंकि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अभी क्या करेंगे बच्चों, हमें वेलोसिटी पूरे एलिमेंट पूरे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर फाइंड करनी, तो हम करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, फिर से बोले इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करें डी यू का, हो जाएगा यू, ये वन अपॉन टू म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इज कॉन्स्टेंट, और आर डी आर का क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर बाई टू, क्या होता है आर स्क्वायर बाई टू, और कॉन्स्टेंट रखना ना भूले इंटीग्रेशन में, तो हमने रखा है यहाँ कॉन्स्टेंट। अभी क्या करना है बच्चों, ये जो कॉन्स्टेंट है अभी अभी देखो मैंने थोड़ा सॉल्व किया, ये आर स्क्वायर बाई टू था यानी इससे मल्टीप्लाई करे तो ये यू इक्वल टू हो जाएगा टू टू जा फोर, यानी वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस सी। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर थ्री। अभी हमें क्या मिला है बच्चों, यू, बट अभी ये बाकी है, क्यों, क्योंकि हमने ये कॉन्स्टेंट जो इंटीग्रेशन का डाला हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये सी कितना है। जब ये सी डालेंगे बच्चों तब हमें ये यू एग्जैक्ट मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, टू फाइंड सी हम बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे कि जब आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा, यानी ये रेडियस जब ये हम बाउंड्री पे कंसिडर करने वाले वेलोसिटी, तो हम जानते हैं, मैंने पहले भी बोला कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होता है, उसकी बाउंड्री पे, और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होने की वजह से वहां पे वेलोसिटी होती है जीरो, और उससे उल्टा सेंटर पे क्या होता है, शियर स्ट्रेस जीरो होता है यानी कि वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। तो हमने क्या करना, अभी पाइप बाउंड्री ली है यानी कि आर इक्वल टू कैपिटल आर एंड यू इक्वल टू जीरो, पुट करें इस इक्वेशन में, यानी कि सी को बनाए करता हमें ये फाइंड करना है, तो हमने यू को किया जीरो, यानी ये होगा जीरो इक्वल टू वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, सी को बनाए करता तो ये हो जाएगा इस साइड, यानी ये मिलेगा सी इक्वल टू विच इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। समझ में आया, हमें क्या मिला बच्चों, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसे अभी जल्दी से पुट करना है इस इक्वेशन थ्री में, इस इक्वेशन थ्री में। चलो जल्दी से करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने लास्ट में फाइंड किया कि ये u है, इसका इक्वेशन हमें मिला माइनस वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस सी विच इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इक्वेशन हमें मिला इंटीग्रेशन करने से, जिसे हमने बोला बच्चों इक्वेशन नंबर थ्री। अभी अच्छे से देखे कि फिर हमने क्या किया बच्चों, कि हमने फाइंड की बाउंड्री वॉल वाली कंडीशन पुट की, यानी कि जब आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा और बाउंड्री पे क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी जीरो होगी। हमने पहले भी देखा कि शियर स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम बाउंड्री पे होता है यानी रेजिस्टेंस
ज्यादा बाउंड्री पे होता है, इसलिए वहां फ्लो कम होता है, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो होता है। और उसी उसकी वजह से उसकी अगर फ्लो ही नहीं हो रहा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। तो पुट करें इस इक्वेशन में यू इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी दिस इक्वेशन थ्री विल बिकम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इक्वल टू, ये आ जाएगा सामने, यानी माइनस वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। अभी क्या करना है बच्चों, ये जो सी की वैल्यू मिली हमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, इसको इसमें पुट कर दीजिए यू वाले इक्वेशन में, यानी ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलो जल्दी से पुट करते हैं, ये सारा ऐसे का ऐसे माइनस वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है बच्चों, याद रखिए माइनस है आगे, तो माइनस लिखना ना भूले, माइनस वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। अभी दोनों को देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है, हाँ दोनों में वन अपॉन फोर म्यू डेल पी बाय डेल एक्स कॉमन दिख रहा है, चलो निकाले, तो क्या बचेगा, सिर्फ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अभी क्या है बच्चों, अगर मैं यहां से माइनस निकालू, ये जो ब्रैकेट है स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, उसमें से अगर मैं ये माइनस कॉमन निकालू तो ये हो जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा उल्टा, तो मैंने वही किया, यू इक्वल टू वन अपॉन फोर म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर फोर। अभी मुझे फाइंड, ये तो मुझे मिली वेलोसिटी, अभी मुझे फाइंड करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी, जैसे हमने आगे किया शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो अभी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगेन हम करेंगे बाउंड्री कंडीशन पुट। तो अभी ये पूरा बार बार मैं दोहराऊंगी और आप अच्छे से अपने मन में भी दोहराए तो ही आपको ये याद रहेगा और यहाँ के यहाँ हो जाएगा। तो फिर से वही इक्वेशन की यू मैक्स कहाँ होगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, सोचे कहाँ होगी बच्चों, बाउंड कहाँ पे होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, बाउंड्री पे कि सेंटर पे, तो सेंटर पे होगी। कैसे बच्चों, क्योंकि हमने देखा कि जो सेंटर होता है उस पे जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है वो क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो, यानी कि रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो है। तो वहां पे क्या होगा, फ्लो मैक्सिमम, क्योंकि कोई रेजिस्ट ही नहीं करा तो फ्लो मैक्सिमम, अगर फ्लो मैक्सिमम तो फिर वेलोसिटी भी मैक्सिमम। तो वही कंडीशन पुट करें व्हेन स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ रखे स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, तो बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसे, यानी कि ये जीरो होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, यू इक्वल टू पुट करे यू मैक्स वन अपॉन फोर म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, जस्ट इसे बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर फाइव। अभी हमने करना क्या है बच्चों, दोनों का रेशियो निकालना है, यू बाय यू मैक्स, यू बाय यू मैक्स, तो यू ये रहा वन अपॉन फोर म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यू मैक्स अभी भी हमने फाइंड किया, रख दीजिए यहाँ। अभी दोनों में क्या कैंसिल कर सकते हैं, वन अपॉन फोर म्यू और ये माइनस डेल पी बाय डेल एक्स, ये कैंसिल कर सकते हैं, चलो जल्दी से कीजिए। तो अभी क्या बचेगा, यू अपॉन यू मैक्स इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अगर इसको डिवाइड करें दोनों में, यानी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा वन, और ये बचेगा माइनस, क्या बचेगा, स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसे अच्छे से लिखे, यू अपॉन यू मैक्स वन माइनस इसको आर अपॉन कैपिटल आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर बोल सकते, होल स्क्वायर बोल सकते बच्चों। इसमें क्या करें, पूरा ये इक्वेशन बच्चों क्या होता है कि आपको आता भी होता है, पर आप क्या कर रहे होते हैं कि छोटे छोटे स्टेप करके उसको जल्दी से खत्म कर दे, ऐसा नहीं होता, ऐसे करेंगे तो बहुत गलतियां होगी और लास्ट में आपने जो इक्वेशन अच्छे से पढ़ा है वो डिराइव वहां एग्जाम में नहीं होने वाला। तो कोई ऐसा ना रखे कि यार ये बड़ा होता जा रहा है, कोई नहीं करे, अपनी कन्वीनियंसी के लिए करे, यानी कि हमारा एम क्या है, ये हमने सीखा है, फिर हमने घर पे प्रैक्टिस भी की है, और फिर एग्जाम में हम करते हैं ऐसे कि भाई मैं कंजूसी करते हैं कि भाई ये स्टेप नहीं लिखना, ये ना करें प्लीज, साथ में पूरा हो सके अपने को कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए। ये इक्वेशन जब भी पूछा जाएगा ये काफी ज्यादा मार्क के लिए ही होगा, तो प्लीज ऐसा ना करें। चलो जल्दी से, मैंने क्या किया, वन माइनस ये आर बाय कैपिटल आर होल स्क्वायर बोला जा सकता है, यस, अभी बना यू को करता, यानी यू मैक्स आ गया सामने, यानी यू इक्वल टू हा यू मैक्स, ब्रैकेट में जो था वो का सेम ही रहेगा, वो का वो ही रहेगा, यानी कि इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सिक्स। क्या मिला, इक्वेशन नंबर सिक्स। फिर से बोल रही हूँ कि अभी क्या किया, अभी हमने कॉन्स्टेंट फाइंड किया, उसको पुट किया, फिर यू किया, फिर यू मैक्स किया, और फिर हमने यू बाय यू मैक्स वाला रेशियो किया। अभी देखिए बच्चों, ये तो रहेगा कि ये क्या है दोनों ग्राफ, तो ये दोनों ग्राफ देखिए बच्चों, ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिला वो कुछ पैराबोलिक कर्व जैसा था। तो पहले हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ देखते हैं बच्चों।
तो इसमें क्या है, इसमें पहले देखे हमने वही कंडीशन डिराइव की कि जो सेंटर होता है, सेंटर होता है यानी कि आर इक्वल टू जीरो होगा, वहां पे सीयर स्ट्रेस जीरो होगा, क्या होगा, सीयर स्ट्रेस जीरो होगा, यानी सीयर स्ट्रेस जीरो होगा तो फ्लो ज्यादा होगा, अगर फ्लो ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो देखो इससे उल्टा यहाँ, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमें सेंटर पे मिल रही है और ये टाउ इक्वल टू जीरो है तो ग्राफ ऐसे आएगा, और उससे उल्टा हमने देखा कि बाउंड्री पे मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस मिलता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है फ्लो को, यानी कि टाउ मैक्सिमम है देखिए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है क्योंकि ये सीयर स्ट्रेस मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी जीरो। तो ये ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करें बच्चों। तो हमने ये यू फाइंड किया, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 6। अभी हमने क्या करना है बच्चों, हमने एक कंसीडर करनी है एलिमेंट्री रिंग, ये वाली रिंग की जिसकी थिकनेस है डी आर, की जिसकी थिकनेस है डी आर, जो हमने पहले जो ड्रॉ किया था उसमें भी हमने ये दिखाया था। तो हमने क्या करना है, एक एलिमेंट्री रिंग लेनी है जिसकी थिकनेस है डी आर और वो कितने डिस्टेंस के पे है, स्मॉल आर, कितने, स्मॉल आर जितने डिस्टेंस पे है। अभी हमने फाइंड करना है ये अभी आप जान रहे हो कि ये छोटी सी एक एलिमेंट्री रिंग है, स्मॉल एलिमेंट्री रिंग, यानी उसका फ्लो भी होगा बहुत छोटा सा, यानी कि डिस्चार्ज डी क्यू हमें फाइंड करना है थ्रू दिस एलिमेंट्री रिंग, यही यही समझ रहे हो, देखो ध्यान से, ये पूरा कैपिटल आर, ये वाई, ये स्मॉल आर और इसकी थिकनेस, ये जो एलिमेंट्री रिंग इसकी थिकनेस डी आर, उसका हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्चार्ज फाइंड करना है। और डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, कंटिन्यू टू इक्वेशन क्यू इक्वल टू ए वी, यानी डी क्यू इक्वल टू यू इंटू डी ए, यू इंटू डी ए, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट है यानी उसका एरिया भी छोटा है यानी डी ए होगा, डिस्चार्ज भी छोटा डी क्यू होगा। अभी कुछ नहीं करना, ये डी ए कितना होगा बच्चों, तो ये लेंगे हम पूरा ये सेक्शन, तो ये कितना होगा बच्चों, टू पाई आर, ये पूरा उसका पेरिफेरी होगा टू पाई आर इंटू इसकी थिकनेस डी आर, टू पाई आर इंटू डी आर। अभी हमने क्या करना है, ये u दिख रहा है हमें, कुछ u दिख रहा है, तो u की वैल्यू हमने फाइंड की है, चलो जल्दी से देखें। अरे हाँ, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 4, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें u, यानी कि क्या होगा, dq इक्वल टू ये रहा u, u की वैल्यू 1/4μ माइनस डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो सिर्फ लिखी हमने u की वैल्यू, ये लिखना ना भूले, अभी बाकी क्या है, 2πrdr, क्या बाकी है, 2πrdr, समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, एक एलिमेंट्री रिंग ली जिसकी थिकनेस स्मॉल डी आर है और उसका हमने क्या किया, क्यू इक्वल टू ए वी होता है ऐसे, यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू यू इंटू डी ए, उसमें हमने यू की वैल्यू पुट की। अभी हमें क्या दिख रहा है, हमें फाइंड करना है पूरा डिस्चार्ज, ये स्मॉल रिंग पे नहीं करना, हमें पूरा जो भी हमने सर्कुलर पाइप ली है उस पर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, चलो जल्दी से करते हैं इंटीग्रेशन। हाँ तो बच्चों, हमने देखा डी क्यू फाइंड किया, हमने एक स्मॉल एलिमेंट्री रिंग ली और जिसपे हमने स्मॉल डिस्चार्ज डी क्यू इक्वल टू यू इंटू डी ए किया, फिर यू की वैल्यू पुट की तो कुछ ऐसा मिला, यानी हमें इक्वेशन मिला डी क्यू इक्वल टू 1/4μ माइनस डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 2πrdr। अभी कुछ नहीं किया, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, यानी 2 2 4, इसको कैंसिल किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है क्योंकि हमने पूरे जो सर्कुलर है उस पर डिस्चार्ज फाइंड करना है। तो 0 टू r ये बाउंड्री कंडीशन, डी क्यू पाई बाई 2μ पाई बाई 2μ और माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, ये कॉन्स्टेंट है निकाले बाहर और अंदर करें 0 टू कैपिटल r और ब्रैकेट में ये लिखना पूरा ना भूले और आर ना भूल जाए, यानी कि ब्रैकेट में होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। अभी आपको क्या करना है कि एक स्टेप भले ज्यादा हो पर अच्छे से करना है, तो इसका तो क्यू हो जाएगा पाई अपॉन 2μ, एक कॉन्स्टेंट बार ही है 0 टू आर, और अब क्या करना है, ये कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर डी आर और ये आर स्क्वायर है और ये आर, यानी कि आर क्यूब डी आर। अभी इसका इंटीग्रेशन करें क्या होगा, ये आर स्क्वायर एज इट इज और स्मॉल आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई 2 और आर क्यूब का होगा आर रेस टू 4/4। और अब हमें करना है बाउंड्री कंडीशन पुट, तो जहां स्मॉल आर वहां कैपिटल आर, यानी ये आर स्क्वायर और ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर, मिला के होगा आर रेस टू 4/2 और यहाँ पे हो जाएगा आर रेस टू 4/4। अभी क्या करना है, एवरेज, यानी कि ये 2 है या 4 है, पूरा एवरेज निकलेगा 4 और इस यहाँ 2 तो है ही, यानी 2 से और करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 2 2 4 यानी 2r^4 माइनस r^4 यानी 2 − 1 = 1 यानी कि r^4/4, यही मैंने यहाँ पुट किया। अभी पूरा इक्वेशन मिला के क्या हुआ, यहाँ r^4/4 है और यहाँ 2 है, यानी 4 2 8
यानी ये पूरा इक्वेशन मैंने ठीक से लिख दिया, क्यू इक्वल टू पाई बाई एट म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर एस टू फोर, बोल दीजिए इस इक्वेशन नंबर सेवन। अभी बहुत ही थोड़ा पोर्शन बाकी है, जल्दी से ध्यान से देखें। एवरेज वेलोसिटी अभी हमें फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, क्यू इक्वल टू ए भी हम जानते हैं, यानी कि हमें अभी फाइंड करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी को बनाए करता है यानी होगा क्यू बाय एरिया। क्यू तो अभी हमने फाइंड किया इक्वेशन नंबर सेवन पुट करे, और अभी हमें लिखना है एरिया। गलती से भी पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर ना लिखे, ध्यान रखे कि अभी हमने पूरे सर्कल का जो डिस्चार्ज है वो लिखा है, ना कि हमने डी क्यू लिखा है। डी क्यू होता तो स्मॉल आर होता, बट अभी हमने फाइंड किया है पूरा सर्कुलर पाइप के लिए, यानी यहाँ ध्यान रखे यहाँ आएगा कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर। अभी क्या होगा, यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ आर एस टू फोर, इसको करे सॉल्व, पाई पाई विल कैंसिल, यानी यू एवरेज इक्वल टू होगा वन अपॉन एट म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर एट। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने एवरेज निकालनी है यू मैक्स बाय यू एवरेज, यू मैक्स बाय यू एवरेज, यानी यू मैक्स क्या है ये इक्वेशन नंबर सेवन और यू एवरेज है इक्वेशन नंबर एट। पुट करें नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, वन अपॉन म्यू, वन अपॉन म्यू विल कैंसल, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर विल कैंसल, यानी कि ये हो जाएगा टू ऊपर चला जाएगा, यानी ये दोनों का जो रेशियो मिलेगा वो टू होगा। और यू मैक्स को अगर आप करता बनाए तो हो जाएगा यू मैक्स इक्वल टू टू इंटू यू एवरेज। बच्चों काफी बार एग्जाम में यहीं तक ही पूछा जाता है कि प्रूव करें जो सर्कुलर पाइप के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो टू टाइम ऑफ एवरेज वेलोसिटी होती है, तो कई बार यहीं तक ही पूछा जाएगा, यहीं तक। तो ध्यान रखना कि मुझे यहां तक ही लिखना है, बट अब से जो आगे वाला हम डिराइव करेंगे वो ही होगा हैगन पॉइजन लॉ के लिए। तो चलो जल्दी से करते, अभी थोड़ा सा ही पोर्शन बाकी बचा है। अभी क्या करना है, ये जो इक्वेशन एट है उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे, कि अगर मैं माइनस डेल पी बाई डेल एक्स को करता बनाऊं, चलो बना दीजिए जल्दी से, अभी बहुत इजी है। माइनस डेल पी बाई डेल एक्स को मैंने करता बनाया, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये होगा एट म्यू यू एवरेज और ये चला जाएगा नीचे आर स्क्वायर। अभी हमने क्या करनी है, एक फाइनाइट लेंथ की जिसकी पाइप की लेंथ कैपिटल एल कंसिडर करनी, यानी हमने एक पाइप कंसिडर की जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, तो ये डेल पी बाई डेल एक्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पी वन माइनस पी टू बाई एल बोल सकते हैं, यानी कि पी वन माइनस पी टू डिवाइड बाई एल इक्वल टू ये होगा एट म्यू यू एवरेज बाई आर स्क्वायर। अभी कुछ नहीं करना, पी वन माइनस पी टू को बनाए करता, यानी कि एल चला जाएगा ऊपर, एट म्यू यू एवरेज इंटू एल बाई आर स्क्वायर। अभी क्या करना है बच्चों, रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई टू होता है, आर इक्वल टू डी बाई टू होता है। पुट करें इस इक्वेशन में आर इक्वल टू डी बाई टू, यानी यहाँ आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर डी बाई टू होल स्क्वायर और डी स्क्वायर बाय फोर, यानी इसको पुट करें और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू है उसका स्क्वायर, यानी फोर, एट फोर जा 32, यानी ये हो जाएगा पी वन माइनस पी टू इक्वल टू 32 म्यू यू एवरेज इंटू एल बाई डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 9। इसको भी आप बोल सकते हो हैगन पॉइजन लॉ, पर अगर आपको इससे भी आगे करना हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लाना है इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज यानी क्यू के फॉर्म में लाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिखा है यू एवरेज, फिर से वही क्यू इक्वल टू होता है ए वी, यू एवरेज को बनाए करता है यानी क्यू बाई ए। अभी हम पूरा ले रहे एरिया यानी पाई बाई फोर डी स्क्वायर, तो पुट कीजिए यहाँ जहां पे आपके पास है यू एवरेज, क्या पुट करें क्यू बाई पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल, सॉल्व करे तो ये भी एक फॉर्म होता है पी वन माइनस पी टू इक्वल टू ये हो जाएगा 32 फोर जा 128 यानी 128 म्यू क्यू एल बाई पाई डी रेस टू फोर, इसे भी आप बोल सकते हो। और उससे भी अगर आपको ज्यादा फाइंड करना हो कि इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड, बोले मुझे ये इक्वेशन कैसे चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड, यानी कि प्रेशर हेड क्या होगा बच्चों, पी बाई डब्ल्यू, यानी अभी चेंज ले रहे तो पी वन माइनस पी टू बाई डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या होता है बच्चों वेट डेंसिटी, डब्ल्यू इक्वल टू रोजी, डब्ल्यू इक्वल टू रोजी मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, तो ये होगा रोजी। तो अभी कुछ नहीं करना, पी वन माइनस पी टू की वैल्यू क्या थी इक्वेशन नाइन में वो पुट कीजिए सीधा इस इक्वेशन में, यानी कि 32 म्यू यू एवरेज इंटू एल बाई डी स्क्वायर, और नीचे ये रोजी है भूले ना, यानी इसको मिला के पूरा इक्वेशन ये बन जाएगा हेड लॉस के टर्म में, यानी हैगन पॉइजन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हेड लॉस बोलना हो तो एच एफ इक्वल टू ये मिलेगा। ये बच्चों इक्वेशन थोड़ा टफ है क्योंकि उसमें क्या है कि जो भी कुछ कुछ जो चीजें है आपको याद रखनी है कि काम मुझे किसको करता बनाना है, कैसे चूज करना है, थोड़ा याद भी आपको रखना है, तो बच्चों हो सके तो दो तीन बार लिखे आपको अच्छे से आएगा। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो।